तो अब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ IoT बताता हूँ। ठीक, हर एक फील्ड में IoT की एप्लीकेशन है। चलो मान लेता हूँ मैं अभी किस फील्ड की बात करूंगा, एग्रीकल्चर फील्ड की बात करूंगा। अगर मेरे पास कोई फील्ड है, मैंने वहां पे बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए हैं, मान लेता हूँ मैं हर मंडे के दिन मैं उनको वाटरिंग करता हूँ, तो उससे क्या करना है, मेरे को हर मंडे वहां पे जाना है फिजिकली, उसके बाद में उनको वहां पे पानी डाल सकता हूँ। ठीक, अगर मैं चाहता हूँ पूरे फील्ड को मैं ऑटोमेट करूँ, IoT वहां पे इम्प्लीमेंट करूँ, फिर मैंने क्या करना है, वहां पे मैंने सेंसर्स लगाना है। मैं हर एक प्लांट के नीचे मॉइस्चर सेंसर लगा दूंगा, उससे मुझे ये पता चलेगा प्लांट की मॉइस्चर लेवल कितनी है, इसकी कंटेंट कितना है, उसी हिसाब से मैं वाटर पंप एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसे क्या होगा, जब मैं वहां पे सेंसर लगा दूंगा, वो वहां से डेटा उठाएगा, डेटा मेरा क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड से मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूँ, अपने मोबाइल एप्लीकेशन होगी मेरी, जो मेरा वेब होगा, वेब पेज होगा, क्या होगा, वहां से मैं उसको पूरा मॉनिटर कर सकता हूँ। तो इससे मेरा पूरा फील्ड स्मार्ट बन जाएगा, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं बन पड़ेगी। तो मैं ऐसे लॉजिक्स वहां पे डेवलप कर दूंगा, मेरे को खुद भी वहां पे मेरा ह्यूमन इंटरवीन वहां पे कुछ नहीं रहेगा, सारा मेरा ऑटोमेट रहेगा। इससे क्या होगा, IoT से हर एक चीज को मैं पूरा स्मार्ट बना सकता हूँ। इतना ही नहीं, देखो हम क्या कर सकते हैं, जब हमने अपने फार्म में पूरे लगा दिए सॉइल मॉइस्चर सेंसर, उससे हमें पता चलेगा सॉइल में मॉइस्चर लेवल कितना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, चलो मैंने आज आप अपने प्लांट्स को वाटरिंग करना है, तो हम अपने जो हमारा IoT सिस्टम, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वेदर फोरकास्ट के साथ। उसे ये पता चलेगा कल अगर बारिश होगी तो आज मैं उसको वाटर नहीं करूंगा, वो मुझे नहीं करना, सारा खुद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया हम वहाँ पे पंप्स लगा देंगे, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स लगा देंगे, उससे पूरा फील्ड हमारा इंटीग्रेट रहेगा। तो ये एक एप्लीकेशन थी किसकी, IoT की इन एग्रीकल्चर फील्ड।